हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गार्डनिंग फायर। और फ्रेंड्स, ये मौसम बहुत अच्छा चल रहा है। इस टाइम पर हम अपने पौधों को एक से ज़्यादा बना सकते हैं, कटिंग के द्वारा भी और वैसे भी। ज़रूरी नहीं है कि हम कटिंग लगाकर ही अपने पौधों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आज मैं कुछ ऐसे पौधों के नाम बताऊंगी जो हमें उनको डिवाइड करके हम एक पौधे से अनेक पौधे बना सकते हैं और बहुत ही आसानी से आप उनको ग्रो कर सकते हैं। कोई भी झंझट नहीं होता। कटिंग लगने में तो हमारा काफ़ी टाइम जाता है, लेकिन वो पौधे बल्ब से और वैसे भी डिवाइड हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं वो पौधे कौन से हैं। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट नंबर पर आता है हमारा क्लैडियम का प्लांट। क्लैडियम के बल्ब, जैसे कि आप जानते हैं, वो बल्ब से ग्रो होता है। हम उसके बल्ब को डिवाइड करके इस टाइम पर एक से ज़्यादा पौधे बना सकते हैं। ये मेरी कुछ इसमें ये पोर्चुलाका की कटिंग लगी हुई थी, तो ये ज़्यादा मैंने हटाई नहीं, ये ग्रो हो चुकी है। और अब मैं इसके जो बल्ब हैं उनको निकाल के देखती हूँ वो कितने मल्टीप्लाई हो चुके हैं। इनकी मिट्टी को हमें रिचार्ज करने के लिए दोबारा से मिट्टी, खाद और सभी चीज़ें बैलेंस मात्रा में देकर इन बल्ब को दोबारा लगाना पड़ेगा, तब जाकर वो ग्रो होंगे। तो देख लेते हैं हम कितने बल्ब बने हैं इसमें। ये देखिए, हमने अपने प्लांट को बाहर निकाल लिया है और देखिए ये रूट जितनी भी आपको दिखाई दे रही हैं वाइट, बहुत ही हेल्दी रूट है। तो हमारा प्लांट काफ़ी हेल्दी है। अब हम इसमें देखते हैं कि बल्ब की मात्रा कितनी है। जो मैंने इसमें बल्ब लगाए थे उससे ज़्यादा बने हैं या नहीं, तो देखिए। देखिए फ्रेंड, इसमें से मुझे ये चार बल्ब मिले हैं। मैंने इसमें जो है पहले चार बल्ब लगाए थे, लेकिन उसमें से मेरे जो है एक बल्ब गल गया था। लेकिन मेरा अब जो है इसमें एक बल्ब एक्स्ट्रा मिला है मुझे, बस क्योंकि ये बल्ब जो है मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ लगाए हुए। ये 6 मंथ पहले मैंने लगाए थे और ये देख सकते हैं आप, बल्ब सारे हेल्दी हैं। ये देखिए, जहाँ से ये वाइट कलर दिखाई दे रहा है ना, ये आपको यहाँ से ये दोबारा से ग्रो होने लगे हैं। तो मुझे अब क्या करना है, मिट्टी में अपनी खाद डाल के इनको दोबारा से मैं लगा दूँगी तो ये लीव्स निकाल लेंगे। और मिट्टी मेरी काफ़ी अच्छी है, भुरभुरी है। बस मुझे इसमें खाद और फंगिसाइड वगैरह ये चीज़ें ऐड करके मैं इनको लगा लूँगी। नेक्स्ट प्लांट है हमारा रेन लिली का प्लांट। देखिए, रेन लिली के प्लांट में जो बल्ब हैं आप इस टाइम पर उनको भी डिवाइड करके लगा सकते हैं। अगर आपके प्लांट को 2 साल हो गए हैं एक ही गमले में लगे हुए, तो आप इस टाइम पर उसको निकाल कर उसमें बल्ब जितने भी डिवाइड हुए हैं आप उनको अलग अलग गमले में लगा सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड, इसमें देखिए कितनी रूट बाउंड हो चुकी है। मैंने कहा ना आपको कि ये 2 साल से एक ही गमले में है, तो देखिए रूट्स कितनी हेल्दी हैं और रूट बाउंड हो चुकी हैं। इसमें हमारे देखिए इतने सारे बल्ब मल्टीप्लाई हो चुके हैं। ये देखिए, इन सभी को आप अलग करके अलग अलग पॉट में काफ़ी सारे प्लांट बना सकते हैं। ये देखिए, ये एक प्लांट लिया था मैंने और देखिए इस टाइम पर इसकी ग्रोथ। देखिए फ्रेंड्स, इसमें इतने बल्ब निकले हैं कि अगर मैं इनको काउंट करूं तो कम से कम 150 से 200 बल्ब होंगे। ये देखिए, इससे मेरे कम से कम 50 गमले भर जाएंगे अगर मैं इनको डिवाइड करके लगाऊं तो। ये देखिए, एक प्लांट से इतने बल्ब निकले हैं। आप इस टाइम पर इनको डिवाइड करके बहुत सारे पौधे बना सकते हैं। देखिए कितने हेल्दी रूट्स हैं और आप लीफ से ही देख सकते हैं प्लांट कितना हेल्दी है। नेक्स्ट प्लांट है हमारा ये डैफोडिल यानी कि नरगिस का प्लांट। ये देखिए, इसमें कितने सारे बल्ब हैं और ये अलग अलग मल्टीप्लाई होने स्टार्ट हो चुके हैं। ये मेरा ज़्यादा टाइम से प्लांट नहीं है, अभी इसको मैंने 6 महीने पहले ही लगाए थे ये बल्ब। और इसकी ग्रोथ देखिए, एक अलग अलग से ये देखिए यहाँ से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इनको मैं अगर चाहूँ तो मैं अलग अलग
डिवाइड कर सकती हूँ, लेकिन मुझे अभी इसको डिवाइड नहीं करना है। इससे कई सारे प्लांट बन सकते हैं। ये देखिए साइड से अलग स्टेम जो है ये निकल रहे हैं, ये नीचे से इसके बल्ब तैयार हो रहे हैं। तो इसको मैं अभी टाइम दूंगी मल्टीप्लाई होने के लिए। जब ये मेरा पूरा गमला भर जाएगा तो मैं इनको डिवाइड कर लूँगी। ये बहुत ही अच्छा फ्लावर है, इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। इसके फ्लावर्स की खुशबू इतनी अच्छी होती है बहुत ही, और देखने में भी वाइट कलर का फ्लावर, बहुत ही सुंदर प्लांट है। नेक्स्ट प्लांट है हमारा ये केली का प्लांट, कैना लिली, जिसको हम केली भी बोलते हैं आम भाषा में। और इसमें भी ये बल्ब से ही डिवाइड होते हैं, और इसका फ्लावर आपने शायद देखा हो तो बहुत ही सुंदर कलर में आते हैं, येलो कलर का भी। ये येलो कलर का है, इसमें येलो कलर का फ्लावर आता है। तो ये देखिए ये जो साइडों से ये निकले हुए हैं ये सभी बल्ब हैं, ये बल्ब हैं। ये देखिए इनको डिवाइड करें तो हम काफ़ी सारे प्लांट बना सकते हैं। मैं आपको अभी निकाल के दिखाती हूँ इसमें कितने सारे बल्ब तैयार हैं। देखिए ये प्लांट जो है इसकी रूट बाउंड हो चुकी है, और ये देखिए बहुत ही जल्दी से मल्टीप्लाई होता है ये प्लांट। इससे आप इतने प्लांट बना सकते हैं बहुत ज़्यादा। एक एक पफ अगर एक प्लांट में गमले में लगाएंगे तो नेक्स्ट ईयर आपको उसमें काफ़ी सारे प्लांट देखने को मिलेंगे। ये देखिए ये अलग अलग बल्ब हैं सारे, और कितनी हेल्दी ग्रोथ है। ये मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही लगाया था, और ये देखिए रूट बाउंड, इसकी रूट बाउंड हो चुकी है। तो इसमें से मैं कुछ बल्ब जो है अलग करके दूसरे गमले में शिफ्ट करूँगी। ये देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ है, हेल्दी ग्रोथ है। ये वाइट कलर की जो रूट हैं ये सारी हेल्दी रूट्स हैं। ये देखिए इसमें से नीचे से हर साल इतने बल्ब मल्टीप्लाई होते हैं बहुत ही ज़्यादा, और बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है। आप इसकी केयर भी नहीं करेंगे तब भी आपका प्लांट जो है सालों साल चलता रहेगा। नेक्स्ट प्लांट आता है हमारा स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट बहुत ही हार्डी प्लांट है, और इसको भी आप डिवाइड करके इस टाइम पर अपने अलग अलग पौधे बना सकते हैं। कटिंग से ज़्यादा ये डिवाइड करके बहुत अच्छे तरीके से आप नए प्लांट बना सकते हैं। ये देखिए इस गमले में मेरे कम से कम 6 से 7 प्लांट हैं, और नए पप्स भी निकल रहे हैं। इस प्लांट को मुझे डिवाइड करके नहीं लगाना है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे प्लांट हैं, ये सिर्फ मैंने आपको दिखाने के लिए ही निकाला है। नेक्स्ट प्लांट आता है हमारा एलोवेरा का प्लांट। एलोवेरा के प्लांट को भी आप डिवाइड करके लगा सकते हैं, और ये इतना ज़्यादा मल्टीप्लाई होता है, देखिए ये एक। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, फिर और किसी टॉपिक पर। तब तक के लिए बाय बाय।